काउंटडाउन शुरू हो चुका है केंद्रीय बजट 2024 का। हलवा समारोह के साथ तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हर साल 1 फरवरी के दिन पेश होता है बजट। इस बार भी यही दिन बजट के लिए निर्धारित है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। केंद्रीय बजट पेश करने का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे होता है। अंतरिम बजट भी इसी समय पेश की जाएगी। आपको बता दें, 8 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को मुंह मीठा कराने की परंपरा को ही हलवा सेरेमनी कहा जाता है। बजट की तैयारियों में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को इस समय अपने घर परिवार से दूर नॉर्थ ब्लॉक में रहना होता है। आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को जब पहली बार बजट पेश किया था, तो वे लेदर बैग के साथ संसद पहुंचे थे। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। अंतरिम बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस बजट में पूरे साल की जगह आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को ही कवर किया जाता है। जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करते हैं। केंद्रीय बजट 2024 से जनता को पूरी उम्मीद है कि सीतारमण रियायतों का पिटारा खोलकर उन्हें राहत देंगी। केंद्रीय बजट को दूरदर्शन, संसद टीवी, वित्त मंत्रालय के यूट्यूब चैनल, विभिन्न न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइव देखा जा सकता है। इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने को है, ऐसे में ये पूर्ण बजट नहीं होगा, ये टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान या वोट ऑन अकाउंट होगा। इस बजट के केंद्र में गरीब, युवा, किसान और महिला, ये चार वर्ग होंगे, ऐसी संभावना है। बजट एक ऐसा विवरण होता है जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है। ये एक व्यापक कार्य योजना है जो सरकार के द्वारा निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा प्रदान करती है। lalluram.com को भी आम जनता की तरफ से आम जनता के लिए केंद्रीय बजट 2024 से काफी उम्मीदें हैं।